2 अप्रैल साल 2011 टीम इंडिया 50-50 वर्ल्ड कप जीतकर पूरी दुनिया में अपना परचम लहरा चुकी थी। लेकिन अब वक्त आ चुका था टीम इंडिया को अपनी प्रतिष्ठा को बरकरार रखने का। साल 2013 चैंपियन ट्रॉफी। लेकिन भारतीय टीम के लिए यह इतना आसान नहीं था, क्योंकि 2011 वर्ल्ड कप की विजेता टीम के ज्यादातर खिलाड़ी अब टीम इंडिया का हिस्सा नहीं थे, तो वहीं पर क्रिकेट के भगवान क्रिकेट को अलविदा कह चुके थे। एमएस धोनी की टीम युवाओं से लैस थी, जिसमें पारी के आगाज की जिम्मेदारी रोहित धवन के कंधों पर थी, तो वहीं पर अंजाम की जिम्मेदारी रैना धोनी के कंधों पर। और इतिहास रचने के मंसूबे से उस दिन टीम इंडिया उस टूर्नामेंट की जीत से आगाज करती है। रोहित धवन की जोड़ी ने पूरे टूर्नामेंट में ऐसा आगाज किया कि अंजाम कैसा भी हो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। भारतीय टीम उस पूरे टूर्नामेंट में एक मैच भी नहीं हारी थी। और अब बारी थी फाइनल मैच की। उस टूर्नामेंट की अपराजय टीम इतिहास रचने के दहलीज पर खड़ी थी। सामने इंग्लैंड थी, और यह ऐतिहासिक मैच शुरू होने से पहले ही बीच मैदान में बारिश का खलल देखने को मिला। जो मैच 50 ओवरों का खेला जाना था वो सिर्फ 20 ओवरों का खेला जाएगा, ऐसा अनाउंसमेंट होती है। इंग्लैंड ने टॉस जीता और पहले फील्डिंग करने का फैसला किया, और उसी के साथ रोहित शर्मा शिखर धवन की जोड़ी मैदान पर आती है। भारत की शुरुआत बेहद ही खराब हुई। रोहित शर्मा ब्रॉड के चौथे ओवर में बोल्ड हो गए। पूरी देश की सांसें थम गई, क्योंकि वो रोहित शर्मा थे जिन्होंने पूरे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन किया था, लेकिन आज फाइनल मुकाबले में कुछ खास नहीं कर सके। पूरा देश निराश हो चुका था। फिर मैदान पर विराट कोहली आते हैं। धवन कोहली की जोड़ी चिम्मा उठाती है स्कोर को शिखर तक पहुंचाने के लिए, और इस जोड़ी ने मिलकर कुछ रन जरूर बनाए, और 50 के स्कोर पर धवन भी टीम का साथ छोड़ चुके थे। अब इंग्लैंड की गेंदबाजी कहर बरपा रही थी, तो वहीं बोपारा के एक ओवर में रैना धोनी की जोड़ी टूटकर बिखर चुकी थी। दोनों खिलाड़ी मैदान के बाहर जा चुके थे। बीच मैदान 140 करोड़ लोगों की दुआएं भी विफल जा रही थी। विराट कोहली ने संघर्ष किया, बीच मैदान पर अड़े रहे, लेकिन कोहली आखिर करते भी क्या, 43 रन बनाकर पवेलियन चल दिए। अब टीम को संभालने की पूरी जिम्मेदारी रविंद्र जडेजा की थी। टीम इंडिया का टॉप ऑर्डर मिडिल ऑर्डर पूरी तरह से नष्ट नाबूद हो चुका था इंग्लैंड के गेंदबाजी के आगे। रविंद्र जडेजा ने कुछ अच्छे शॉट्स जरूर खेले, लेकिन फिर भी टीम इंडिया 20 ओवर में 7 विकेट खोकर मात्र 129 रन ही बना सकी। जो टीम इंडिया उस पूरे टूर्नामेंट में अपराजय थी, आज वही टीम इंडिया उस टूर्नामेंट के फाइनल मैच में हार के दहलीज पर खड़ी थी। पहली पारी की शुरुआत टीम इंडिया को हार की तरफ इशारा कर रही थी, तो वहीं पर दूसरी तरफ इंग्लैंड की धाकड़ बैटिंग ऑर्डर का डर सता रहा था। अब दूसरी इनिंग की शुरुआत होती है, इंग्लैंड के बल्लेबाज मैदान पर आते हैं। उससे पहले ही लोग इंग्लैंड को विजेता मान चुके थे। इंग्लैंड की टीम कुछ रन बना पाती कि धोनी ने छठे ओवर की दूसरी बॉल पर बिजली से भी तेज स्टंपिंग करके बेल की गिल्लियां बिखेर दिया। फिर उसके बाद जडेजा ने एक विकेट लिया, फिर धोनी की एक और स्टंपिंग देखने को मिली। उस स्टंपिंग को देखने के बाद कितने लोगों का बिजली से भरोसा उठ गया। इंग्लैंड की टीम 10 ओवर में मात्र 50 रन ही बना सकी और अपने 4 विकेट खो दिए थे। यहां से यह मैच किसी भी तरफ झुक सकता था। फिर इंग्लैंड को 50 गेंदों पर 70 रनों की जरूरत थी, और बोपारा मॉर्गन मैदान पर जम गए थे और चौकों छक्कों की बरसात किए जा रहे थे। एक तरफ बारिश की बूंदें, तो वहीं दूसरी तरफ 140 करोड़ लोगों की उम्मीदें टूटकर बिखर रही थी। धोनी का हर दाव फेल हो रहा था। अब इंग्लैंड टीम को जरूरत थी 18 गेंदों पर 30 रनों की। टीम इंडिया के दामन में हार दस्तक देने वाली थी, क्योंकि बोपारा और मॉर्गन ऐसी बल्लेबाजी कर रहे थे
उसे देख हर भारतीय फैंस की रूह कांप जा रही थी। और टीम इंडिया के पास ज्यादा रन नहीं बचे थे, 18 गेंदों पर 30 रनों की ही जरूरत थी। एमएस धोनी के पास गेंदबाजी में ऑप्शन तो बहुत थे, लेकिन एमएस धोनी ने गेंद उस गेंदबाज के हाथ में थमाया जिसने अपने 3 ओवर के कोटे में 27 रन लुटा दिया था, ईशांत शर्मा। फैसले से धोनी ने पूरी दुनिया को चौंका दिया। ईशांत शर्मा ने छक्का तो खाया, फिर धोनी ने गालियां खाया, लेकिन उसी ओवर में पूरे मैच की काया पलट कर रख दी। 2 गेंदे 2 बल्लेबाज आउट, यह फाइनल इंग्लैंड इसी ओवर में हार चुका था, क्योंकि इंग्लैंड के दोनों बल्लेबाज जो जम चुके थे, जो लगातार कुटाई कर रहे थे, अब वो पवेलियन लौट चुके थे। रिक्वायर्ड रन रेट बढ़ता जा रहा था। उसके बाद जडेजा अश्विन ने शानदार गेंदबाजी करा और मैच को जीत लिया मात्र 6 रन से। इसी के साथ दुनिया में भारत ने धोनी के कप्तानी में अपने झंडे गाड़े। वही एमएस धोनी जिन्होंने 2007 टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल मैच में पूरी दुनिया को चौंका कर टी20 वर्ल्ड कप जिताया था, वही धोनी जो 2011 के 50-50 वर्ल्ड कप में युवराज की जगह खुद बल्लेबाजी करके पूरी दुनिया को चौंकाया था, 50-50 वर्ल्ड कप का विजेता बनाया था। आज उसी धोनी ने 2013 की चैंपियन ट्रॉफी में अपने इसी आश्चर्यजनक फैसले से टीम इंडिया की झोली में एक और ICC की ट्रॉफी जमा कर दी। और यदि यह कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक उन सभी खिलाड़ियों के लिए और एमएस धोनी के उन फैसलों के लिए जो आज टीम इंडिया का सर ऊंचा कर रहे हैं पूरी दुनिया। और यदि आप पहली बार चैनल पर वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही दमदार कहानियाँ हमारे चैनल पर आती रहती। आपका अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत